के बाद विदेश में सोचते हुए ऐसे दान करके कुछ भी, तो उसमें भी आपने उनकी सहमति यानी कि लेनी है। ठीक। तीसरा अवस्था त्रियम अम्पालम को जात की तीन अवस्थाएं होती है, बाल्य और युवा और बुढ़ापा। युवा बाल्य अवस्था इनकी यहाँ पर बीत गई, बात का पिता क्या, युवा और बुढ़ापा आपके साथ है, तो अवस्था के हिसाब से आपने इनका पोषण पालन का लालन पोषण का इनका ध्यान करना चाहिए। ठीक है। चौथा है धनादि गोपनम संपन्न के न्यास, कि आप कहीं भी नौकरी करो या बिजनेस करो, कहीं से कुछ भी कमा के लाते हो, महीने में कितना कमा के लाते हो, उसका इनको मालूम होना चाहिए कि आप महीने में कितना कमा रहे हो, कितना नहीं कमा रहे, कहाँ जमा कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, क्योंकि उस आमदनी के हिसाब से आपका घर का खर्चा चलाएगी। पांचवा है गवादि पशु के लिए विक्रमण संपन्न के न्यास, कि कोई भी गाय बैल घोड़ा पशु प्लाट आदि कुछ भी खरीदो या बेचो, उसमें भी आपने इनकी सहमति यानी कि सलाह लेनी पड़ेगी। फिर और छठा यानी कि हमारे भारत देश में 6 ऋतु है, उन ऋतुओं के हिसाब से जैसे गर्मियों में गर्मियों के कपड़े, सर्दी में सर्दियों के, ऋतु के हिसाब से ओढ़न पहन का आपने इनका ख्याल रखना। सातवा है कि और ये कोई साथ की सखी सहेलियों में, जैसे यहाँ पर आ रही सखी सहेली वहाँ पर हो तो दौर जिठानी, ठीक है ना, अगर उनके माए बैठी और इनसे कोई गलती हो रही हो तो आपने उनके सामने उनके बीच में इनको कोई अपशब्द नहीं बोलना है। ठीक है जी। यानी कि कोई माला छेड़ी या कोई वैसे गाली गलौज कुछ नहीं कहना, आपने धमकाना समझाना भी तो आपने अपने घर बुला के जब कहना कि भाई आपने ये गलती कर रखी है, ऐसे नहीं कर, ठीक है ना, तो आप जैसे भी ऐसे दाएँ हाथ अग्नि करो तथास्त मुझे मंजूर। बेटे भी राहुल जी ने आपकी सत्य मंजूर कर लिए, ये राहुल जी कह रहे कि मेरी कुछ सत्य है, अब जो आपने मंजूर है तो मैं आपको बाइंग देता हूँ। वो धाने मत ताने चे पिता ग्रह गमने चे आज्ञा भंगो ने कतो को मरवा कर चुष्कम, कि आज के बाद जैसे आप अब इनके घर जाओगे तो इनके घर से बाहर इनके खेत में या कहीं भी बाजार में कहीं जाना है तो आप यहाँ अकेले नहीं जाने इनके घर से, या तो इन राहुल जी के साथ या इनके माता पिता के साथ या इनके भाई बहन के साथ, यानी कि अकेले नहीं जाना। अगर रास्ते में आप चल रहे हो और कोई दारू पियावट आदमी आपके सामने आता है तो उसका सामना नहीं करना है, उससे बच के निकल जाना, ठीक है। तीसरा है कि अपने माता पिता के यहाँ अपने आना है तो आपने इनकी आज्ञा लेकर आने, ये नहीं है तो इनके माता पिता से किसी से भी आज्ञा लेकर आने, ये नहीं कि भाई ये नहीं है तो आप ऐसे बगैर कुछ से चलते आए बुढ़ा बुढ़ी से नहीं पूछ, ठीक है ना, ऐसा कोई कार्य नहीं करना होता, ठीक है ना। हाँ, और चौथा है कि इनके जो माता पिता है उनकी सेवा टहल करनी है, इनके भाई बहन है छोटे या बड़े उनकी भी आदर भाव करना है, और इनके कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनका भी आदर भाव करना है, और मीठे वचन बोलने, और क्रोध और आलस्य आपने यहीं छोड़ के जाना है, क्योंकि वहाँ क्रोध और आलस्य नहीं चलेगा ससुराल, ठीक है भाई। तो आप में ये कह रहे ये गुण है तो मैं आपको बाय लेता हूँ, तो आप ऐसे आप भी सिद्धार्थ करो और बोले तो फास्ट बाकी मुझे भी मंजूर है।